व्हाट इज द हिस्टोरिक मूवमेंट? इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और गौतम गंभीर कमेंट्री कर रहे थे, वहीं पर अगर हम बात करें बॉलिंग कौन कर रहा था, बॉलिंग नवीन उल हक कर रहे थे। ये ऐसी राइवलरी देखने को मिली जहां पर इन दोनों की विराट कोहली से नहीं जमती थी। लेकिन इस मैच में जो लोग एक्सपेक्ट करके आए थे कि विराट कोहली नवीन उल हक को बहुत मारेंगे, शायद ऐसा लोग सोच रहे थे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया भाई, सब कुछ एकदम से डिफरेंट हुआ। इस मैच में एक जो राइवलरी थी वो खत्म हो गई, विराट कोहली नवीन उल हक की जो राइवलरी थी जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, शायद इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि लोग कोहली कोहली के नारे लगा रहे थे जब नवीन उल हक बॉलिंग करने आते थे, जब नवीन उल हक बैटिंग करने आए उस टाइम पे उनको काफी ज्यादा मॉव किया जा रहा था। तो यहाँ पे विराट कोहली ने अपना बड़ा दिल दिखाया और क्राउड से कहा कि आप मॉव मत करो, नवीन उल हक के लिए आप चिल्लाओ मत, उन्हें मत चिढ़ाओ, ऐसा कुछ कहा विराट कोहली ने। उसके बाद में नवीन उल हक ने, जब विराट कोहली बैटिंग करने आए, नवीन उल हक बॉलिंग कर रहे थे, उस टाइम पे नवीन ने विराट कोहली को जाके सॉरी बोला और गले लगाया। उसके बाद में विराट ने भी नवीन के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराने लगे और कुछ कहा। अब क्या कहा ये तो नहीं पता है, लेकिन दोनों का जो मैटर था वो सेटल डाउन हो गया। विराट कोहली किंग है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनका दिल बड़ा है, इसके वजह से वो किंग है। सिर्फ खेलने से किंग नहीं है विराट कोहली ने, आपको याद होगा स्टीव स्मिथ के लिए भी सवाल किया था, क्राउड से स्टॉप होने के लिए कहा था, क्राउड से चुप होने के लिए कहा था। जब स्टीव स्मिथ भारत आए थे वो टेम्परिंग वाला मामला याद है आपको, उसमें स्टीव स्मिथ को काफी ज्यादा मूव कर रहे थे, तब विराट कोहली ने बड़ा दिल दिखाते हुए स्टीव स्मिथ के लिए ऑडियंस से कहा था कि आप स्टीव स्मिथ को मॉब मत करो और गुस्से में हो गए थे। उसके बाद में लोग चुप हुए, उसके बाद में स्टीव स्मिथ काफी ज्यादा खुश नजर आए और विराट कोहली से मिले भी थे। लाल मुझे आज वो ट्रायंगल दिखा, विराट कोहली बैटिंग एंड नवीन उल हक बॉलिंग एंड गौतम गंभीर कमेंट्री, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक था। एंड गंभीर क्या सोच रहे होंगे मुझे शायद से आपको बताने की जरूरत नहीं, जब इन दोनों का सेटल डाउन हुआ होगा गंभीर सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो कुछ डिफरेंट सोच के आया था, यानी पूरा मूड खराब कर दिया, पूरा दिमाग खराब कर दिया। लाल नवीन उल हक ने तो पहले भी कहा था, बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि मैं ये सब करना नहीं चाहता, और शायद से नवीन उल हक बहुत दिनों से इस दिन का भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब विराट से सामना होगा और मैं सॉरी बोलूंगा। यहाँ पर विराट कोहली की भी दाद देनी होगी, विराट कोहली ने बड़ा दिल दिखाते हुए नवीन को उसकी जो बातें थी, उसने जो सॉरी बोला उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और गले लगाया। इस मैच में रोहित शर्मा ने भी कमाल किया, रोहित शर्मा ने एक धमाकेदार शतक मारा, जिसके बाद में रोहित शर्मा जो है वो एक लीडिंग सेंचुरियन हो गए। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगा दी, रोहित शर्मा ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ के 7 सेंचुरीज लगा दी। विराट कोहली आस्क्ड द दिल्ली क्राउड टू स्टॉप बोइंग नवीन उल हक एंड हग हिम। विराट कोहली ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए नवीन उल हक का सपोर्ट करते हुए यहां पर क्राउड से ये कहा कि आप उन्हें परेशान ना करें। नवीन उल हक का जो स्माइल था, जो नवीन उल हक के दिल से निकली वो बात, जिसको विराट कोहली ने एक्सेप्ट किया, वो मूवमेंट भाई देखने लायक था। आप जो भी देखने आए हो, लेकिन जो चीज हुआ विराट कोहली ने परफेक्ट किया है, विराट कोहली इज द किंग बिकॉज द रीजन। आज के इस मैच में, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में, सबसे ज्यादा सर्चेज हुई विराट कोहली और नवीन उल हक के बारे में, एंड ये मैटर अब सेटल डाउन हो चुका है, एंड ये गेस्चर्स अब हमेशा चलने वाले सोशल मीडिया पर। आज के इस मैच में भी विराट कोहली ने 55 रनों की पारी खेली 56 बॉल्स में, एंड इसके साथ में विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरीज लगा दी है, पिछले मैच में 85 एंड इस मैच में विराट कोहली ने 55 की भी स्कोर किए, यानी दोनों में 5 तो कॉमन है। एंड विराट कोहली का यही फॉर्म आगे बरकरार रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल आज के इस मैच में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को हरा दिया है, जहां पर अफगानिस्तान ने भारतीय टीम को 273 रनों का लक्ष्य दिया था, वहीं पर भारतीय टीम ने सिर्फ 35 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, क्योंकि रोहित शर्मा की तूफानी शतक के बदौलत, क्योंकि रोहित शर्मा ने 131 रनों की पारी खेली। फिलहाल आपको पता चल गया कि यहाँ पर शोर शराबा शुरू हो चुका है, एंड आज की इस वीडियो बस इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट जैसी तमाम सारी खबरों एंड वर्ल्ड कप से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।